राधे राधे दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर नेहा जोशी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में होली के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से उपाय इस दिन करने चाहिए। होली वह दीपावली ऐसे दो पर्व माने जाते हैं जो हिंदू धर्म में बेहद खास होते हैं। अमावस और पूर्णिमा खासकर बेहद फल देने वाली मानी जाती है। छोटे छोटे से सरल उपाय किए जाएं तो जीवन की कोई भी समस्या हो आपकी, उनसे निवारण के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। सच्चे मन से और बेहद सरल और गुप्त और बहुत कम खर्चे वाले मैं आपके लिए छोटे छोटे से उपाय कलेक्ट करके लाई हूँ, तो आप इस होली या दिवाली में यह छोटे छोटे से उपाय जरूर करें। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका का दहन किया जाता है और अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंग अबीर से होली खेली जाती है। इस वर्ष 2021 में 28 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 29 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। धार्मिक दृष्टि से ये दोनों तिथियां बेहद फल देने वाली और शुभ मानी जाती हैं। होलिका दहन जहां अच्छाई की जीत को दर्शाता है, तो वहीं भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में रंग वाली होली मनाए जाने की परंपरा है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपायों को करके आप जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। होली पर आप अपनी राशि के अनुसार उपाय करें तो यह बेहद फल देने वाले होंगे। आइए जानते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह सारे उपाय मैं ज्योतिष की अनुसार बता रही हूँ, आप छोटे छोटे से सरल कार्य जरूर करें। मेष राशि के अनुसार बताती हूँ। सर्वप्रथम इस राशि के जातक एक जटा वाला नारियल लाएं। आप अपनी समस्या बोलते हुए उसके ऊपर कला वाला पेड़ दें। अब इसे अपने मंदिर में, आप इसे घर के मंदिर में रखें। सर्वप्रथम आप सुबह करें तो बहुत बढ़िया है, और सुबह इस समय से ही इसे मंदिर पर रखते और शाम के समय इसके पश्चात, जैसे मैं बता रही हूँ, कुमकुम अक्षत और बताशे पूजा के ऊपर लगा दें, वो जटा के ऊपर लगा दें। इसके पश्चात होलिका दहन के समय इस नारियल की हो इस जो यह नारियल है इसे अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से स्वास्थ्य और आपके जो भी जीवन की समस्याएँ हैं वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी। यह उपाय बेहद सरल है, जैसा मैंने बताया। नारियल ले आएं, एक कुमकुम इत्यादि लगाकर सुबह अपने मंदिर पर रख दे, शाम को अग्नि पर चढ़ा दे, समस्याएं अवश्य दूर होंगी। विश्वास के साथ करें। अब वृषभ राशि के बारे में जानते हैं। इस राशि के जातक होली पर एक गुलाबी कपड़े में 11 सर्वप्रथम सुपारी और जो पूजा की सुपारी होती है वह लेके आएं, और 11 कपड़े के अंदर गुलाबी कपड़ा लेना है, इसे बांध दें। इस पोटली पर चंदन वह इत्र लगाना ना भूलें, यह करना बेहद सही होता है और इस कार्य को पूर्ण करने वाला होता है। इसके बाद इसे अपने ऊपर से 7 बार वार दें, उल्टी दिशा में वारना है, एंटी क्लॉक में, होलिका की अग्नि में इसे अर्पित कर दे। इससे आपकी जो बेरोजगारी हो रही है, खासकर रोजगार से संबंधित समस्या चल रही है, व्यापार से संबंधित समस्याओं का अवश्य निवारण होगा। वृषभ राशि के लोग, जो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हों, होली पर अपनी पत्नी को गुलाबी रंग न लगाना ना भूलें। गुलाबी रंग विशेष रूप से लगाएं, इससे दाम्पत्य जीवन की कलह विशेष रूप से दूर होगी। अब जान लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस राशि के जातक होली के दिन भगवान गणेश के समक्ष शुद्ध देशी घी, जैसे कि शुद्ध गाय का सबसे पवित्र माना जाता है, इसका दीपक प्रज्वलित कर श्री गणेश जी के सामने 27 मखाने लें, जहां तक संभव हो सके 27 लें, वरना आप 11 भी ले सकते हैं। इसके पश्चात गणेश जी और चंद्रदेव का पूजन करें। बाद में इन मखानों को अपनी समस्या को बोलते हुए होली की अग्नि में चढ़ा दें। इससे आपसे नौकरी से संबंधित, विशेष रूप से इस राशि के जातकों की नौकरी से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनसे मुक्ति अवश्य मिलेगी। मन से इस उपाय को करें, बेहद सरल है। अब जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातक समस्याओं की मुक्ति के लिए होली के दिन गेहूं और चावल के आटे का चौमुखी दीपक बना ली। यह बेहद सरल है, गेहूं का आटा तो सब जगह होता ही है, साथ ही थोड़ा सा चावल का आटा ले ले, यह हर जगह मिलता है, और चौमुखी दीपक बना ले अपने हाथ से, और इसमें तिल का तेल डालकर अपने जो होली का जो दिन होगा पूर्णिमा का, उसको मुख्य द्वार पर आप प्रज्वलित करें। दाम्पत्य यह बेहद सरल है, और आपके जीवन की जो भी
कठिनाइयाँ चल रही है इससे मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन को भी सुखमय बनाने के लिए बताना चाहूँगी, जौ के 27 दाने लेकर होलिका की जो अग्नि है उसमें डाल दे, ऐसा करना भी आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लोग एक साबुत पान का पत्ता लें, उसके ऊपर एक पूजा की जो सुपारी आती है वह देखिएगा कि पान का पत्ता और वह सुपारी कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसी रखें। इसके साथ ही एक बताशा और एक लौंग के जोड़े लें, दो होने चाहिए जोड़ा, अर्थात दो हो को देसी घी में डुबाकर पान के पत्ते के ऊपर रख दें। जैसे मैंने बताया, एक पान का पत्ता लें, एक पूजा की सुपारी लें और साथ ही एक बताशा ले लें और दो लौंग ले लें, जोड़ा ले लें, देसी घी में डुबोकर इन दोनों को पान के पत्ते के ऊपर रखकर इन्हों अपने ऊपर से इन सामग्री को अपने ऊपर से उतार ले एंटी क्लॉक करके, और अग्नि में जो होलिका की अग्नि में उसे डाल दे। इससे आपके बिगड़े हुए जो कार्य हैं, कार्यों में रुकावट आ रही है वह विशेष रूप से दूर हो जाएगी। अब जानते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। इस राशि के जातक 11 लौंग के जोड़े ले, 11 जोड़े होंगे जो 22 हो जाएगी उनकी संख्या, और 11 दुर्बा की गांठ लेकर अपने बच्चे और अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनका हाथ लगवाकर पूजा के स्थान पर रख दें। यह बेहद सरल है। आप 22 लौंग ले गिनती में जो है 11 जोड़े माने जाएंगे और दुर्वा की गांठ ले लें, अपने बच्चे और अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनसे हाथ लगवा लें। जब आप पूजा करें तो पूजा के स्थान पर इसे रख दें, बाद में इस सामग्री को होली की अग्नि में डाल दें। इससे आपके परिवार के बच्चे और परिवार के सदस्यों पर जो नज़र लग रही है, बुरी नकारात्मकता का अभाव प्रभाव हो रहा है घर में, एक अजीब सा माहौल बन रहा है, उससे विशेष रूप से मुक्ति मिलेगी और हर कार्य में जो समस्या आ रही है उसका निवारण होगा। होली पर अपने भाई बहनों को हरे रंग, जो बेहद फल देने वाला माना जाएगा, हरे रंग का आप चुनाव करें और उसका गुलाल जरूर लगाएं। इससे आपके जो जीवन की समस्याएं आ रही है, विशेष रूप से नकारात्मकता छा रही है, वह दूर होगी और संबंधों में भी मजबूती आएगी। अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। इस राशि के जातक होली के दिन एक पीपल का जो साबुत पत्ता है उसे लेकर आएँ, उसके ऊपर अक्षत, एक पूजा का जायफल, जायफल जो आपको सबको ही पता है वह मिलता ही है पूजा में और किसी भी कार्य में इसे काम में लिया, और मिश्री खासकर जो कुछ दाने लेकर उसे अपने ऊपर से घुमाएं, पहले अपने ऊपर से घुमाएं और फिर अपने पूरे घर में घुमाएं, ऐसा कर इसके बाद सभी सामग्री को होली की अग्नि में डाल दे पूरे घर में इसे घुमाकर, जो बेहद सरल है। साबुत पान का पत्ता लेकर आएं, उसके ऊपर पीपल का पत्ता लेकर आएं, उसके ऊपर अक्षत, एक पूजा का जायफल और मिश्री के कुछ दाने रखकर अपने ऊपर से घुमाएं और अपने पूरे घर पर घुमाएं, पूरे घर में एक एक कमरे में जाकर आप उसको अपने साथ घुमाएं। इसके बाद सभी सामग्री होली की अग्नि में डाल दें। आपके मुख्य द्वार पर भी रोली और कुमकुम से ओम का चिन्ह बनाएं जब आप पूजा होलिका की पूजा करने जाएं या सुबह पूजन करें, तो यह कार्य जरूर करें। इससे आपके जो परिवार में कलह की स्थिति होती है कभी कभी साल भर के अंदर, या कोई और समस्या, घर में खुशियों का आवागमन कम होता है, यह समस्याएं दूर होंगी। आप देखिएगा, बेहद सरल छोटा सा उपाय है। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। इस राशि के जातक एक पान का पत्ता लें और उसे उसके ऊपर पूजा की एक सुपारी लें, जो मैंने बताया इससे पहले भी, 5 कमल गट्टे को शुद्ध घी में डुबो दें। यह कार्य आप नहा धोकर सुबह करें, जो कमल गट्टे हैं उनको शुद्ध घी में डुबोएं। इसके बाद हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमन्ते नमः का 27 बार जाप करें। इसके पश्चात जाप पूर्ण होने के बाद सभी चीज़ों को होली की अग्नि में डाल दें और साथ ही शनि की जो पीड़ा हो रही है आपके कुंडली में उससे विशेष रूप से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में जो व्यापार से संबंधित समस्याएं चल रही हैं वह भी दूर हो जाएंगी। धनु राशि के बारे में जानते हैं। धनु राशि के जातक होली पर 7 रंग का इतना सा अनाज ले, एक मुट्ठी भर के, वह लगभग इतना सा एक मुट्ठी भर के हो जाए, तो 7 अनाज लेनी है, सॉरी रंग नहीं, 7 धान्य लेना है। इसके बाद एक सूखा नारियल लेके उसके ऊपर की ओर से उसे काट लें, उसके अंदर जो वह 7 धान्य आपने ले रखा है उसके अंदर भर दें और अपने ऊपर से इसे वार कर
आप इसे माथे पर लगा लें और अग्नि में इसे डाल दें। यह आपके नवग्रहों से जो संबंधित परेशानियां चल रही हैं उनकी बाधाओं को दूर करने वाला होगा। अब जानते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातक एक पीपल का पत्ता लेकर उसके ऊपर आधा मुट्ठी काले तिल लें, उसके ऊपर रखें और आधा मुट्ठी काले तिल लें। इन पत्ते को अपने घर के पश्चिम दिशा में रखकर सुबह करें और शाम को इस संध्या के समय जब वह पत्ता अपना कार्य कर चुका होगा तब इसे अपने ऊपर से भी 7 बार वार कर होली की अग्नि में डाल दें। इससे परिवार पर जो बुरी नज़र लग रही है, पारिवारिक जीवन पर जो बुरे संबंध हो रहे हैं उस पर और व्यापार से जुड़े जो कार्य उन पर अड़चन आ रही हो उनसे भी मुक्ति मिलेगी। यह कार्य छोटा सा है पर आप जरूर करें। अब जान लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातक अपनी आयु के बराबर साबुत उड़द के दाल के दाने लें। जितनी भी आपकी आयु है 25, 26, 27 या कितनी भी आपकी बच्चे की है या जितनी भी है, इन उपायों को आप भी कर सकते हैं या आपके घर पे जितने भी सदस्य हैं वह भी कर सकते हैं। अपनी आयु के अनुसार आप उड़द के दाने लें और उनको अपने ऊपर से वार कर आप अग्नि में डाल दें। एंटी क्लॉक करना है इस तरह से, आपके बच्चे के हों या किसी से भी आप करना चाहते हों, उसके ऊपर उसकी आयु के बराबर उड़द के दाने लें और उन्हें अग्नि में डाल दें। आपकी धन संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या आ रही हो या वाद विवाद हो रहा हो या बीमारी इत्यादि से भी विशेष रूप से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं मीन राशि के बारे में। पूरा डिटेल में किसी भी राशि के बारे में नहीं बताऊंगी कि बता पा रही हूँ कि क्यों इनको लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अब जानते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातक हवन सामग्री एक हल्दी की गांठ, साबुत सुपारी और कपूर, ये साबरी सामग्री लेकर उसे एक पान के पत्ते के ऊपर रखें। इसके बाद होलिका के साथ परिक्रमा करें और सभी चीज़ों को अग्नि में डाल दें। जैसा कि जाना जाता है हवन सामग्री विशेष रूप से हमारे हिंदू धर्म में मानी जाती है, और हल्दी की गांठ ले, साबुत सुपारी ले, कपूर इत्यादि, और साथ में हवन सामग्री बाजार से भी मिलती है, आप घर पर भी खुद भी निर्मित कर सकते हो इस तरह से। जैसे मैंने बताया इन सामग्रियों को लेना है और साथ ही एक पान का पत्ता भी रख लेना है इनके साथ। इनको आप होलिका की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा या 3 परिक्रमा आप जितनी भी करते हैं आप उन परिक्रमाओं को करके सारी चीज़ों को अग्नि में डाल दें। इससे आपका जो मन उथल पुथल रहता है, मन अशांत रहता है, वह आपके नवग्रहों से संबंधित कोई समस्याएँ आ रही हों उनसे यह मुक्ति दिलाने वाला होगा, शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति दिलाने वाला होगा। यह मैंने 12 राशियों के अनुसार आपको उपाय बताए हैं जो छोटे छोटे सरल मैं आपके लिए कम खर्चे वाले लेके आई हूँ और जो बेहद प्रभावी हैं। इनको क्यों करना है, इनके पीछे क्या कारण है, यह लॉजिक मैं इस वीडियो में नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब वीडियो आपको कैसा लगा और यह उपाय आप ज़रूर इस दिन करें, आपके लिए यह बेहद यूजफुल होंगे और बेहद सरल छोटे छोटे से उपाय हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।